जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। उम्मीद होगा कि आप लोग सही होंगे और आशा करता हूं कि सही नहीं होंगे तो आप सही हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था संविधान का परिचय, जो कि हमने अगर रिकॉल किया जाए तो रिकॉल बताया था सबसे पहले जो है संविधान बनाने वाला देश कौन है, तो अमेरिका था। लिखित संविधान किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। अगर आपसे पूछेगा कि जो सबसे लिखित संविधान किस देश का नहीं है, तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन का। वहां राजतंत्र है और ये हमारा भारत में प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, जनता तंत्र, जनता का शासन, प्रजा का शासन। तो वहां है क्या राजा, अपने राज्य का शासन, यानी राजा का शासन चलेगा, ठीक है। तो हमने बताया था संविधान सभा का बैठक हो चुका था 9 दिसंबर 1946 को। हमने बता दिया था कि 9 दिसंबर 1946 को, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम रिकॉल करते हैं। हमने बताया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक किया गया था और इस दिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किए थे, अस्थाई यानी अस्थाई सॉरी अस्थाई मतलब अचानक, लोग जो होता है मान लिया मीटिंग करना है तो अचानक क्या चुन दिए अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष नहीं बल्कि अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। जबकि यहाँ बैठक कहाँ हुआ था, दिल्ली में जगह पड़ता है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। दूसरा बैठक 2 दिसंबर को पड़ा, 2 दिसंबर के बाद, 2 दिन के बाद, 2 दिसंबर के बाद यानी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पर पूरी तरह प्लान के साथ किया गया था और यहाँ से परमानेंट जो भी है अस्थाई अध्यक्ष चुन दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। जबकि हमारा 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जगह तीनों का बैठक एक ही जगह हुआ था, यहाँ सच्चिदानंद, उसके बाद यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से हाँ 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पारित किया गया था। याद रखेंगे प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आईएमपी बीबीआई, ये प्रस्तावना जिसे कहते हैं उद्देशिका, क्या कहते हैं उद्देशिका, संविधान का आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना की, जो कि हमारा जो है प्रस्तावना में शुरुआत होता है हम भारत के लोग, यानी जो हमारा संविधान कहता है भारत में सर्वोच्च कौन है, वी पीपल ऑफ द इंडिया, यानी वी हम भारत के लोग, यानी जो संविधान बनाने का या जो है भारत में सबसे बड़ा सर्वोच्च कौन है, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, सभी भारत के जनता। तो अब क्वेश्चन ये आता है भारत में सर्वोच्च कौन है, क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, जनता। तो हाँ, जो सबसे बड़ा सर्वोच्च कौन है, जनता है। अपने पास एक कलम कॉपी अवश्य रखेंगे हमारे मित्रगण या दोस्तगण जो भी है। और ये हमारा 13 दिसंबर के बाद, जबकि हमने बताया था संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जबकि हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। और यहाँ पर संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो आपका जो अंगीकृत कब किया गया, उधान दिवस, संविधान दिवस, यानी बनकर जब तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, तो और ये संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है ये मनाना शुरुआत किया गया 2015 से। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, 2015 से मनाया गया। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, और इसी दिन हमने बताया था कि भारत का हमने जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो है, आप लोग बताएंगे कि किस 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया था, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या आपका जो है राष्ट्रगीत। और जबकि हमारा क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत का
बैठक कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को। ये दिन को हम शायद बाद में लिखे, सबसे अंतिम में लिखे हैं, क्योंकि संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान सभा का प्रथम बैठक, स्वतंत्र भारत कैसे पूछेगा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940। तो हमारा, हमने बताया था संविधान तो बनकर तैयार हुआ, संविधान में है क्या, इसी चीज को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं इसको थोड़ा सा जिनको सिर्फ वगैरह से सुनते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले संविधान तो बन गया, अब संविधान पर फॉलो याद रखेंगे कि संविधान तो जिस तरह हमारा बता दिया था 26 जनवरी 1950 को संविधान तो लागू हो गया था, लेकिन जब इनका जितना भी बैठक होता था संविधान सभा का, जितना भी बैठक होता था सबका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता था, इनके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता था, ताकि यही कारण जो है 1950 से ही 1952 तक 2 सालों के लिए संविधान सभा के लोग ही इन्हें क्या कर दिए, मनोनीत राष्ट्रपति चुन दिए। क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति कौन थे, तो कितने साल के लिए मनोनीत हुए थे, तो 2 सालों के लिए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। और जबकि पता है ये मात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं सबसे लंबा कार्यकाल कितना साल, ये आपका 50 से 62 साल 12 साल रहे। जबकि पूछेगा शपथ कितना बार नहीं है, तो 3 बार नहीं, कितना बार शपथ नहीं है, चुनाव कितना बार इनका हुआ, तो इनका 2 बार। देखिए राष्ट्रपति वाले वीडियो हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम बात करते हैं संविधान के अंदर का बात। देखिए संविधान जब हमारा बन गया, 65 लाख रुपया खर्च पड़ गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लग चुका था। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कमेंट करके जितना जल्द से जल्द इनको पता है। पिछले वीडियो मैंने बताया था किसने कहा था कि संविधान का, भारत का संविधान जो निर्माण होना चाहिए भारत की जनता के अनुसार किया जाए, किसने कहा था कमेंट में बताएं। देखिए हमारा जो है संविधान तो बना दिया गया, तो इसमें सबसे पहले नाम दिया गया भाग, क्या दिया गया भाग। देखिए हमारा पहले ही बता दिए थे कि हमारा जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, क्या है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो हो जाएगा इंडिया का। लेकिन सबसे छोटा पूछेगा, पहले था अमेरिका लेकिन अभी वर्तमान में है मोनाको, क्या है, मोनाको देश पड़ता है। याद रखेंगे सबसे छोटा संविधान किस देश का है, पहले था अमेरिका का लेकिन वर्तमान में हो गया मोनाको का, ठीक है। तो लिखित संविधान नहीं है तो ब्रिटेन का। तो हमारा जो है देखिए संविधान में भाग बनाया गया, क्या बनाया गया, भाग बनाया गया। उसके बाद नाम सुनेंगे आप अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका आर्टिकल। उसके बाद बनाया गया अनुसूची। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, भाग क्या है, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है। तो इसको मैं, हम आराम से आप लोग माइंड में ये समझिए कि हमें कुछ नहीं आता है, आप 0 लेवल से तैयार होइए, 0 से 0 लेवल तक, ठीक है। वो क्योंकि देखिए एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। देखिए कोई सब दुनिया में काम नहीं है, चाहे वो लोगो पायलट हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूएन हो, किसी प्रकार, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है सब कुछ पर विजय प्राप्त कर सकता है।
सिवाय मृत्यु पर नहीं। ये कथन महात्मा बुद्ध ने कहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य जो है सब कुछ पर विजय प्राप्त कर सकता है लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, याद रखिए। चलिए तो ये हमारा था भाग। तो भाग अनुच्छेद अनुसूची, देखिए हमने बताया भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान क्यों बड़ा है। देखिए भाग जो हमारा जब संविधान जब बनाया गया था कितना भाग था, तो भाग 22। लेकिन जब संविधान बनाया गया था मूल में जो है जिस तक याद रखेंगे, जब संविधान जो पहले का संविधान था उसे कहते हैं मूल संविधान। क्या कहते हैं? मूल संविधान। तो जब हमारा मूल संविधान का बात कर रहे हैं तो मूल संविधान हमारा जो है, तो मूल संविधान में कितना भाग था? 22। समझेंगे भाग क्या है, तो भाग हो गया 22। अनुच्छेद कितना था? 395। अनुसूची कितना था? 8। देखिए अनुसूची तो हम बस आराम से समझेंगे, भाग कितना था? 22। अनुच्छेद कितना था? 395। अनुसूची कितना था? 8। लेकिन अभी करंट में जो है हमारा वर्तमान में चल रहा है, भाग की संख्या 22 ही था, 22 ही रह गया। अनुच्छेद हो गया 450 से अधिक, कितना हो गया? 450 से अनुच्छेद क्या हो गया? अधिक। जबकि इसमें 4 प्लस हुआ तो कितना हो गया? 8, 4, 12। क्वेश्चन आता है संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका 8। वर्तमान में कितना है? तो 12। बढ़ा कितना अनुसूची? तो 4 बढ़ा। ठीक है, ये कब कब बढ़ा, कैसे बढ़ा बताएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद कितना था? 395। कितना भी वर्तमान में है? 450। ये हमारा कितना भाग था? 22। देखिए भाग तो हो गया 22, लेकिन भाग जो है, देखिए हम ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखिए जिस संविधान में, संविधान का तो निर्माण हो गया लेकिन अब हमारे जो है जितने भी लोग थे, प्रतिनिधि थे, मेंबर थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा कि संविधान तो बन गया लेकिन संविधान में अगर किसी प्रकार का, इस तरह ये 8 से 12 कैसे हो गया, मतलब क्या हुआ? परिवर्तन हुआ या बदला होगा। और आपको पता है किसी भी चीज में अगर परिवर्तन नहीं आएगा या नहीं आता है वो चीज नहीं होता है। जिस तरह आपको पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप लोग भी है 8th क्लास में पढ़ते होंगे तो आपका अलग परिवर्तन होगा, 10th में गए होंगे तो आपका क्या होगा, अलग बदलाव आया। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम्हारा संविधान भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। पहले था 2G, 3G, अब क्या हो गया? 4G, 4G बाद 5G। तो परिवर्तन अगर नहीं आएगा, संस्कृति एक मात्र ऐसा भाषा इसमें परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है और इसका वजूद भी कम है। तो जिसका तरह का मान लीजिए इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, आप में भी अगर परिवर्तन नहीं आ रहा हमारे वीडियो देखने के बाद, जो मोटिवेशनल वीडियो का देखने के बाद परिवर्तन अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान बताते हैं कि आपको जो है दूसरा मौका, जिंदगी बार बार मौका नहीं मिलता है। तो हमारा था संविधान में कितने, ये बदलाव क्या हुआ, तो बदलाव जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है उसे संविधान में, ये लोग जितना देखिए संविधान तो बन गया, अब बताया गया कि अगर संविधान में बदलाव करना है, चेंज करना, मोडिफाई करना, बदलाव करना है तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ संविधान में बदलाव किया जा सकता है। और जिस तरह हमारा संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, और ये हमारा 395 से वर्तमान में कितना हो गया 300, और उसी को नाम दिया गया संविधान संशोधन। क्या दिया गया याद रखेंगे? संविधान संशोधन। ये संविधान देखिए, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो संविधान संशोधन जो होता है, या कहिए अगर हमारे जो है संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? बदलाव करने की प्रक्रिया, क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। ये आपके संविधान संशोधन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, और मात्र 1 साल के बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। क्वेश्चन आता है संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 में। अब आप बताइए जिस दिन, जिस साल हमारा संविधान बना उसी 1 साल के बाद
संविधान में क्या हो गया, बदलाव। लेकिन वर्तमान जो हमारा 2020 में लगभग 100 से प्लस क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। इसरा आप नाम सुनते होंगे, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ये है क्या? ये आपका है संशोधन है। संविधान में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया है। अब बताइए संविधान में 100 से अधिक बदलाव किया जाएगा वो क्या संविधान रहेगा? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको संविधान से अपना संविधान से नफरत हो जाएगा जब पढ़िएगा तो। और आप लोग हमको गर्व से कहना पड़ता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है लिखित तो किस देश का है, तो इंडिया का है। तो हमारा जो संविधान अब हमारा तो संविधान संशोधन में जो देखिए संविधान में कुछ किया गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के स्रोत, ये हमारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये किसी भारत के पास कुछ नहीं था। भारत जितना भी संविधान में पद लिया गया है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उप प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब पद ना कहीं से कहीं से लिया गया। दूसरी प्रकार से आप लोग नाम सुनते हैं कि हमारा राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है अमेरिका से लिया गया है ना, तो उसी प्रकार ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहां से लिया गया? तो ये संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया याद रखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और ये दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये अफ्रीका की राजधानी, साउथ अफ्रीका की राजधानी कहां है, प्रिटोरिया है। ठीक है, देखिए तो हमारा संविधान क्या था, अनुच्छेद भाग कितना 22, अनुच्छेद 395, अनुसूची कितना, वर्तमान में कितना 12, बढ़ा कितना 4, अनुच्छेद कितना है 450, भाग भाग में नो चेंज, भाग में बदलाव नहीं हुआ। तो शुरुआत करते हैं भाग की ओर। हमारा जो है भाग क्या है, हमारा जो है भाग, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पांच, भाग छह। उसी प्रकार भाग कहां जाएंगे, लास्ट 22। देखिए भाग को हम कह सकते हैं पार्ट, इंग्लिश में होता है पार्ट, जबकि इसे कहते हैं आप लोग मैथ पढ़ते हैं ना या जीके, चैप्टर होता है ना चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो परसेंटेज SICI, जस्ट लाइक क्या है यही है। भाग के बाद हमारा आता है अनुच्छेद, जिसे कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं, देखिए अभी आपका जो है एक आता है, क्या हमने बताया अनुसूची, अनुसूची कितना है 12, कितना अनुसूची है 12। अगर आपसे पूछेगा अनुसूची जो है हमारा कितना है 12, ये 12 अनुसूची को विषय रख गया, अनुसूची याद, कितना अनुसूची है तो 12 अनुसूची को विषय रख गया। भाग कितना है 22, अनुच्छेद कितना है तो 450। ठीक, अब भाग एक में लिखा हुआ है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, समझ में आया या नहीं आया, देखिए नहीं आया तो बताते हैं। भाग एक में लिखा हुआ है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा भाग एक में लिखा हुआ है कि संघ एवं राज्य के बारे में वर्णन है। अब हमारा इस तरह भाग दो है तो नागरिकता, क्या है नागरिकता, यानी भाग चैप्टर दो में संविधान के दो चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिक अब भारत के कैसे बन सकते हैं, कैसे नागरिकता मिल सकता है। लेकिन ये हमारा तो भाग बता रहे हैं, लेकिन अभी अनुच्छेद क्या है बाकी है, तो ये हमारा अनुच्छेद है एक अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद कितना तक, अनुच्छेद 4 तक, कह सकते हैं एक अनुच्छेद से लेकर 4 तक। अगला अनुच्छेद हमारा है 5 से लेकर 11 तक। तो हमारा जो है अनुच्छेद 11 हुए कहां से, क्वेश्चन कि संविधान के भाग दो में क्या चीज का वर्णन किया गया है, तो भाग दो में किसका वर्णन है, नागरिकता का। भाग एक में क्या है, तो भाग एक में क्या है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग तीन में क्या है, तो भाग तीन में है मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार। भाग चार में क्या है, तो धीरे धीरे आपको क्या मिलेगा,
समझ में आ जाएगा कि भाग कितना कितना भाग प्रबल है बाबू लोग, तो 22 भाग अनुच्छेद कितना है, तो पहला भाग में यानी इसे कह सकते हैं पृष्ठ संख्या को अगर माइंड में है थोड़ा सा तो समझ सकते हैं पृष्ठ संख्या यानी एक से चार पेज तक कहां है, तो भाग एक में है। तो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद एक से चार तक के कौन सा अनुच्छेद है, तो भाग यानी भाग आएगा कि भाग दो में कितना अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णन है, तो 5 से 11। मौलिक अधिकार कितना अनुच्छेद में है, तो हमारा पूछेगा 12 से 35। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन हमारी जो है, चलिए ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको वादा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिकॉल के माध्यम से, वीडियो लंबा हो चुका है और ये हमारा जो है तो हम कह रहे हैं कि अपने पास एक कलम को भी रखेंगे और आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम है तो क्या गम है, हमें तो क्या गम है, टेंशन मत लीजिए, बिंदास होकर पढ़िए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो एक नए वीडियो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।